अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज, पहचान सच की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हैदराबाद टुडे न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। दशहरा के मौके पर गौलीगुड़ा गुरुद्वारा से 9 नंबर गुरुद्वारा तक सिख भाइयों की जानिब से बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में सिख भाई देखे गए। इस दौरान 9 नंबर पर तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को नजर में रखते हुए आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने उनका फूलों से स्वागत किया, शॉल पोशी व गुल पोशी की गई। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ वक्त पहले भी शहर में दोनों त्यौहार मीलादुन्नबी और गणेश विसर्जन एक ही दिन आने पर हमारे तेलंगाना में एकजती व और गंगा जमनी की मिसाल कायम करते हुए मिलाद जुलूस को पोस्टपोन किया गया और गणेश विसर्जन खुशी के साथ पुरअमन तरीके से मनाया गया। उस दौरान भी मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के साथ त्यौहार में शिरकत करते नजर आए थे और हिंदू भाइयों ने भी मिलाद जुलूस के मौके पर मुस्लिम भाइयों का जगह जगह फूलों से इस्तकबाल किया था। इस बार भी दशहरा त्यौहार में मुस्लिम भाइयों की जानिब से दशहरा की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर राजेंद्र नगर DCP आर जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से भारी बंदोबस्त रखा गया। इस मौके पर शेख नईमुद्दीन मोहम्मद ताहिर, सैयद अकील, सैयद वसीम, मोहम्मद अकबर, ख्वाजा इसामुद्दीन, मोहम्मद अजमत, प्रवीण नवेंद्र, शेख समीर, सैयद सिराज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए हैदराबाद टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सिख चौहान की सिख भाइयों का नगर कीर्तना दशहरे के नाम पे लोग हर एक साल में एक प्रोसेशन निकलता है, हर एक गुरुद्वारा से वो लोग झंडा लेके निकल जाते हैं, अपना मेन गुरुद्वारा तक आके अपना गौलीपुरा पुराना पुल पूरा हर तरफ सिटी वाले यहाँ पर आते हैं, अपना मिनी गुरुद्वारा बारामूला जाते हैं और ये पूरा प्रोसेशन अपना मेन गुरुद्वारा जाके ये लोग पूरा खाना खा लेके ये नगर कीर्तन का प्रोग्राम बोलते हैं ये लोग, वो भक्ति श्रद्धा के साथ वो भगवान का स्मरण करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा फैमिली साथ देखिए 4-5 हज़ार लोग अपना सिख भाइयाँ यहाँ पर आए हैं। यही सिलसिले में अपना मुसलमान भाइयाँ भी अपना ताहिर इसामुद्दीन और बाकी जो भी लोग यहाँ पर है पूरा ये वेलकम भी करे रैली को, वो पूरा मैं वो लोगों को भी धन्यवाद बात दे रहा हूँ। ये एक मौका है सब मिलके दूसरा मज़हब की जो भी प्रश्न आते हैं अच्छा कोऑपरेशन के साथ, ये नईम भाई भी आया और ये पूरा लोग मिलके ये स्वागत का जो करने का प्रोग्राम लगाए थे यहाँ पर बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही दूसरा मज़हब वालों को वेलकम करना है और वो लोगों के ऊपर पूरा ये लोग वॉलंटियर भी करते हैं, जो भी प्रोसेशन में छोटा मोटा लोग इधर उधर जाते हैं पूरा वॉलंटियर करके प्रोसेशन पीसफुल चल रहा आगे बढ़ रहे, इसलिए सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ मेरा तरफ पुलिस के तरफ से। ये एक अच्छा मौका है एक ऐलान करने के लिए हम एक है बोल के, अभी सिख भाइयाँ भी आगे बढ़ रहे गुरुद्वारे के तरफ, ये प्रोसेशन पीसफुली कंप्लीट होने का अभी 10-15 मिनट लगेगा। ये होने के बाद ये पूरा खाना खा लेके फिर अपना गौलीपुरा तक ये प्रोसेशन फिर चले जाता है और सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और आज खास बात ये है अपना सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आए हैं, वो लोग भी ये बंदोबस्त में आज शामिल हुए। अपना चंद्राजी असिस्टेंट कमांडेंट भी है यहाँ पर, सब लोग वो लोग भी ये प्रोग्राम में बंदोबस्त कर रहे हैं। होती है और हैदराबाद तेलंगाना में सेंट्रल गौलीगुड़ा गुरुद्वारे से जो ये अरम नगर कीर्तन अपने हर जस गाते हुए बीच में चार महल और अपना किशन बाग, आशा सिंह बाग और जीरा नानक जीरा साहेब और होता हुआ फिर छावनी, फिर यहाँ से जो है वही हरजस करता गुरबानी पढ़ता हुआ और फिर जो है गौलीगुड़ा पहुँचेंगे और इस दरमियान हमारे जो आज दिल बाग बाग कर दिया हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से बहुत ही प्यारा एक संदेश गंगा जमुना जो कि चलता हुआ आ रहा है पुरखों से
वही आज फिर से बहुत प्यारा एतबार किया सभी का, सत्कार किया सभी का। मैं तह दिल से सारे मेरे मुसलमान भाइयों को, सारी सिख कम्युनिटी बिरादरी से बहुत बहुत तह दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और मेरी जो मीडिया पहुंची है उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार, और जो सवेरे से लेके आज जो कि इस एरिया को जो दो पुलिस डिपार्टमेंट का ग्रुप लगता है, सारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोले सो नेहाल।